सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। तुसी वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नजर अज दीआं मुख सुर्खियां ते। मुंबई च एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का होया कतल, शरेआम गोलियां मार के उतारिया मौत दे घाट। फायरिंग दौरान छाती ते ढिड विच दो तो तीन गोलियां वज्जियां। पंजाब भर च किसानां दी अज सड़की आवाजाई ठप्प, झोने की खरीद ना होण ते जताया रोष। तीन घंटे लई पंजाब भर च किया गया चक्का जाम। जलंधर के मशहूर कुल्लड़ पिज्जा कपल ने वीडियो की शेयर, श्री अकाल तख्त साहिब विखे होवांगे पेश। बयान तो बाद मान सिंह अकाली भी होया लाइव। मुंबई विच एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र सरकार के साबका मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मार के कतल कर दिया गया। बांद्रा के खेरवाली सिग्नल नेड़े उन्हां दे बेटे दे दफ्तर बाहर सिद्दीकी ते दो तो तीन राउंड फायर किए गए। उन्होंने तुरंत लीलावती अस्पताल विच दाखिल करवाया गया, पर जख्मां दी ताब ना झलदिआं बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिता। जानकारी मुताबिक बाबा सिद्दीकी दफ्तर तो निकले सन, जदों गोलीबारी हुई तां उह अपने दफ्तर नेड़े पटाके चला रहे सी। उदों ही एक कार विच तीन व्यक्ति उतरे अते उन्होंने बाबा सिद्दीकी ते तीन राउंड फायर किए। एक गोली बाबा सिद्दीकी दे साथी दी लत विच वी लगी। इस तों बाद दूजी गोली सिद्दीकी नूं लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके ते पहुंच गई। ते इह वी खबर है कि पुलिस ने दो लोगों नूं हिरासत विच लिया। ते बाबा सिद्दीकी दी मौत ते महाराष्ट्र दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दुख दा प्रगटावा कीता है अते कहा कि घटना दी डूंघाई नाल जांच कीती जावेगी अते हमलावरां विरुद्ध सख्त कार्रवाई कीती जावेगी। हमले दे मास्टरमाइंड दा वी पता लगाया जावेगा। साढ़े नौ बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना के आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। पंजाब दे वख-वख किसान संगठनां वल्लों अज सूबे भर विच तीन घंटे लई सड़कां दा चक्का जाम कीता गया। किसानां ने चक्का जाम दोपहर 12 बजे तो लैके 3 बजे तक करन दा फैसला कीता है। किसान आगुआं दा कहना है कि हुण इस तों अगली रणनीति अगली कल 14 अक्तूबर नूं होण वाली किसान जथेबंदियां दी बैठक विच लवांगे। राजेवाल ने दोष लगाया कि पंजाब ते केंद्र दोवें सरकारां किसान दी अनदेखी कर रहियां ने, जिसदे चलदिआं किसानां नूं मजबूरन इह चक्का जाम करना पिआ है। सड़कां तों इलावा भारतीय किसान यूनियन उगराहां ने किसानां ने हजारां ही गिनती विच इकट्ठे होके रेलवे ट्रैक भी धरना लगाया। इसे तरह मंडियां दे विच झोने की खरीद नूं लैके किसानां नूं आ रही समस्या तो परेशान किसानां वल्लों मानसा विखे रेलवे लाइनां ते धरना प्रदर्शन करदे हुए केंद्र अते पंजाब सरकार दे खिलाफ नारेबाजी कीती गई। किसानां ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर मंडियां दे विचों उन्हां दी फसल नूं तुरंत ना खरीदिया गया तां आउण वाले दिनां दे विच किसानां वल्लों प्रदर्शन होर वी तेज़ कीता जावेगा। ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
पर मंडियां दे विच कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, इंस्पैक्टर ने जिहड़े कोई बोली नहीं करन आ रहे, बल्कि किसानां ते पाबंदियां लाईयां जा रही ने भी 17 मोचर तो वध वाली जिहड़ी जीरी है वह मंडी दे विचों चुको, जे किसी की 18 या 19 मोचर वाली ढेरी पई है उन्होंने भी ढेरियां चक्कण वास्ते मंडियां विच मजबूर किया जा रहा है। जथेबंदी वालों इस करके फैसला किया गया है कि मंडियां विच पुख्ता सरकारी खरीदण का प्रबंध किया जाए। जे अज दे एक्शन तो बाद साडी सरकार पंजाब की सरकार या सेंटर की सरकार नहीं जागती तो जथेबंदी वालों जिवें भी सूबे की काल आऊगी तिखा एक्शन किए जाएंगे। जलंधर के मशहूर कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल ने बीते दिनी हुए विवाद तो बाद सोशल मीडिया से वीडियो शेयर की है, जिस विच उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब विखे हाजरी लगाउण दी गल की है। सोशल मीडिया से जारी की गई वीडियो विच सहज अरोड़ा ने कहा कि मेरे दस्तार सजाउण ते उठ रहे सवालों के जवाब लैण लई असीं अज श्री अकाल तख्त साहिब अगे अर्जी लगावांगे। उन्होंने अगे कहा कि जेकर वह गलत ने तो मैनू सजा दी जाए, पर जेकर मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो वह चीज़ की सुनवाई भी जरूर होवे। वीडियो विच सहज अरोड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा यकीन है कि उन्होंने इंसाफ जरूर मिलेगा। साड़ी सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब की सही और गलत की चोण कर सकती है। सहज अरोड़ा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार प्रशासन तो मंग की है कि उन्होंने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए ताकि उन्होंने रेस्टोरेंट से वार वार अजिहा माहौल न बने। पिछले 2-3 दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता। इस चीज़ का जवाब लैन के लिए मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब से जाके एक अर्जी देवांगा। जिथे तो मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए, जिथे मेरे तो मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो उस चीज़ की सुनवाई की जाए। और मैनू पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, सानू इंसाफ दवाया जाएगा। और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है। एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा, इतने साड़ी तो साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साडे साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बार बार साडे रेस्टोरेंट के उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे। कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल के बयान तो बाद ध्यंग सिंह मान सिंह अकाली का भी बयान सामने आया है। सोशल मीडिया से कुल्लड़ पिज़्ज़ा के सामने आने तो बाद मान सिंह अकाली ने लाइव होकर कुल्लड़ पिज़्ज़ा नूं अंतिम चेतावनी दिंदिया कहा कि गल नूं होर ना वधाओ, बह के गल नबेड़ लो, नहीं तो अगे बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब तक जाने तो पहला साढ़े सवालों का जवाब दे दो। इस अलावा लाइव होकर मान सिंह अकाली ने जलंधर पुलिस प्रशासन ले भी वड्डी बयानबाजी की। वीडियो आ जो कि जलंधर का प्रशासन DSP SHO ASI जिन्होंने भी भाई सांभी है, तो खास करके कुल्लड़ पिज़्ज़े वालों साडा सुनेहा ला दिओ कि भाई असी कल 11:30 उत्थे आ रहे हैं, साडे नाल बह के राबता कर लो, बहुती गल नूं लमकाओ ना ते ना इस गल नूं ज़्यादा वधाओ, इहदे तुहाडा फायदा। जिन्हें भैन भरा उत्थे आ रहे हैं सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती है कि भाई कोई हुल्लड़बाजी ना करे ते कोई भी किसी तरह का भी कोई नुकसान ना करे। ते बाकी सहज रोड़े नूं मैं गल कह देना चाहुंदा, भाई वेख आपां तैनूं प्यार नाल कह रहे हैं भी साडे नाल बह के राबता कर ला, यह भी तैनूं कह रहे हैं अपने भावें बाउंसर लै आ भावें पुलिस प्रशासन इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन च बह के साडे नाल राबता कर ला, भाई भलके तेरे कुल्लड़ पिज़्ज़े का जां तेरा कोई नुकसान कर जे असीं उहदे फिर जिम्मेदार नहीं आ। असीं हुण तैनूं प्यार नाल कहण डिआ क्योंकि वेख मैं अपने आप की गरंटी दे सकदा भी भाई मैं कोई इदां दा काम नहीं करदा। हाँ लेकिन यह गल मैं महाराज नूं हाजर जाण के कहिंदा भी जे तूं मिलदा वा ते तेरी वाल भी कोई वेख गया ते यार मार ना खी, ठीक है। मैं महाराज कलगीधर पातशाह नूं हाजर जाण के कहिंदा ना कोई कुटणा ना कोई मारना ना कोई मैं डराउणा, ते वेखा साढ़े गुरु ने आख्या ना डर देना ना डर रखना, ना तैनूं डराउण वास्ते नहीं तैनूं समझाउण वास्ते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहार इलाके विच आगरा लखनऊ एक्सप्रैसवे ते एक होर कार हादसे विच दो विदेशी महिला नागरिका समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जदों कि 3 होर गंभीर रूप विच जख्मी हो गए। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ने दस्या कि लखनऊ तो दिल्ली जा रही एक कार आगरा लखनऊ एक्सप्रैसवे ते स्मॉल स्टाइन 125 ते
खड़गुआ पिंड नेड़े अगे जा रहे एक वाहन नाल टकरा गई। इस हादसे च कई लोग जख्मी हो गए ने, जिन्हां नूं मौके ते पहुंची पुलिस ने हस्पताल भर्ती कराया। इलाज दौरान दो विदेशी महिला नागरिकां समेत तीन लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच जारी है। भारतीय रेलवे ते इसदे यात्रियों की सुरक्षा नाल लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। घटनावां दिनों दिन वधदियां जा रही ने। हुण उत्तराखंड के रुड़के विच भी रेल हादसे नूं अंजाम देने की साजिश रची गई। इत्थे ट्रैक ते एलपीजी सिलेंडर मिलिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कोई साजिश सी जां इसका कोई होर कारण हो सकता है। गंभीर गल है कि जिथे सिलेंडर ट्रैक ते पाया गया है उत्थे ही इसके एक पासे पूरी आर्मी कैंट है। उत्तराखंड के रुड़की विच रेलवे ट्रैक ते एलपीजी सिलेंडर मिलन की घटना ने एक बार फिर रेलवे ते इसकी सुरक्षा ते गंभीर सवाल खड़े कर दिते ने। यह मामला उस वेले सामने आया जदों एक माल गड्डी दे लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों नूं दस्या कि लंदोरा ते पंदेरा स्टेशनां दे विचकार ट्रैक ते एक एलपीजी सिलेंडर पिया है। पॉइंटमैन ने मौके ते पहुंच के सिलेंडर की जांच की तो देखा कि सिलेंडर बिल्कुल खाली सी। बाद विच इस नूं स्टेशन मास्टर की निगरानी हेठ रखा गया। इस मामले की जांच लई पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। असाम के उत्तरी मध्य हिस्से में आज सवेरे 4.2 तीव्रता नाल भूचाल के झटके महसूस किए गए। यह जानकारी एक अधिकारिक बुलेटिन विच दी गई है। भूचाल आउण नाल लोग अपने घरां विचों बाहर आ गए। राष्ट्रीय भूचाल केंद्र की रिपोर्ट विच कहा गया कि ब्रह्मपुत्र के उत्तरी कंडे ते उदलगुड़ी जिले दे विच सवेरे 7.47 बजे भूचाल के झटके महसूस किए गए। भूचाल का केंद्र जमीन तो 15 किलोमीटर की डूंघाई ते सी। इस दे नाल ही भूचाल का केंद्र गुवाहाटी तो लगभग 105 किलोमीटर उत्तर विच अते असाम अरुणाचल प्रदेश सरहद नेड़े तेजपुर तो 48 किलोमीटर पछम विच स्थित सी। रिपोर्ट विच कहा गया कि पछमी अरुणाचल प्रदेश के नाल नाल पूर्वी भूटान के कुछ इलाकों विच भी भूचाल के झटके महसूस किए गए। फिलौर पुलिस के एक्साइज अधिकारियों गुप्त जानकारी मुताबिक पता लगा कि पंचेरा खंड मोहला फिलौर विखे नजायज शराब लुका के रखी हुई है। मौके पर पहुंच के 20 तो 21 के करीब नजायज शराब दियां पेटियां फड़ियां गईयां। फिलौर पुलिस के थानेदार बलजिंदर सिंह सर्कल अफसर एक्साइज सब इंस्पैक्टर हरजिंदर सिंह ने जानकारी देंदिया दस्या कि इस नजायज शराब संबंधी पूछ पड़ताल शुरू कर दी गई है। अज इनफॉर्मेशन मिली सी कि खड महला वेखे शराब नजायज पई है। ये असी कढ ली आदी मिनती करके ते फिर असी दसा अगली कारवाई करके। किन्नी शराब है सारी को? हले गिनती करनी है जी। उदा लगभग किन्नी पेटियां है? 20-22 20-21 है। 20-21 किन्नी शराब लगती पता कुछ केदी है? हले पता करते हैं जी। फगवाड़ा के शामनगर विखे उस वेले अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जदों शामनगर विच शिवपुरी नेड़े एक घर की छत से जोरदार धमाका होने नाल पूरे इलाका विच सनसनी फैल गई। इस घटना विच दो बच्चे गंभीर रूप विच जख्मी हो गए जिन्हां नूं इलाज लई अस्पताल भर्ती कराया गया। जख्मी बच्चों की गंभीर हालत नूं वेखदिआं इन्हां नूं जलंधर के निजी अस्पताल रैफर कर दिता गया। परिस्थिति विच कोई सुधार न होने कारण जलंधर तो दोवां बच्चों नूं चंडीगढ़ PGI रैफर कर दिता गया। इलाज दौरान आशीष उमर 11 साल निवासी शामनगर की मौत हो गई। शुरुआती जांच विच पता लगा कि धमाका पटाश कारण होया ते लोहे दी रोड विच पैण वाली पटाश नूं पीसण समय यह हादसा वापरन का खदशा है। फगवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। सानू फोन कॉल रिसीव हुई थी कि दो बच्चे छत ते बैठे सी पटाखे चला रहे सी ते वो जख्मी हो गया। जो असीं ते मौके ते पहुंचे हां ते देखिया कि इत्थे शायद जिहड़ी पटाश दे नाल पटाखे चला रहे सी उहदे नाल ये ब्लास्ट हो गए ते जख्मी होए। की लगदा कंडीशन बच्चों की? कोई गलबात उन्हां दे पेरेंट्स नाल असीं राबता कायम कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल आ लेके गए हैं, उत्थे जाके फिर असीं अगला जो कस्बा कानूवान विखे दशहरे के पावन त्यौहार से हर साल की तरह इस साल भी दशहरा कमेटी वालों कुंभकरण वध मेघनाथ वध और रावण का वध का प्रसंग विखाया गया। इस मौके पर मुख मेहमान एडवोकेट सरदार जगरूप सिंह सेखवां आम आदमी पार्टी वालों विशेष तौर पर शिरकत की गई। जिक्रयोग है कि कानूवान शहर विखे करीब 1950 तो यह दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। दशहरा ग्राउंड विखे करीब 30 फुट उच्चा रावण का पक्का सीमेंटड पुत बनाया गया। इस दशहरे मेले विच कस्बे और आस पास के अनेक ही पिंड लोग दशहरा मेला वेखने पहुंचे। इस मेले विच नौजवानों नशे तो दूर करने वास्ते कबड्डी खेडां दी करवाईयां गईयां।
अमृतसर श्री दुर्गयाना मंदिर कमेटी वालों दुशहरा ग्राउंड में धूमधाम मनाया गया। इस बार श्री दुर्गयाना मंदिर कमेटी वालों 120 फुट का रावण बनाया गया सी। पर इस बार अमृतसर के दुशहरे को फूकिया गया क्योंकि इस बार अमृतसर में सिर्फ 10 फीसदी रावण बनाया गया सी। इस मौके पंजाब के सबका उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने पहुंच के बधाई दी। सोनी ने इस शुभ मौके से शहर वासियों को बधाई दी, समाज की बेहतरी लिए अगे आने का सद्दा दिता। बीती देर रात जलंधर जम्मू रेल मार्ग से रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज टांडा नेड़े एक व्यक्ति रेलगड्डी की लपेट में आने कारण मौत का शिकार हो गया। रात 1 बजे के करीब प्रांति रेलगड्डी की लपेट में आने कारण मौत का शिकार हुए व्यक्ति की फिलहाल कोई पछाण नहीं हो सकी। रेलवे पुलिस चौकी इंचार्ज टांडा थानेदार बलविंदर सिंह ने दसिया कि किसी बाहरी सूबे नाल संबंधित इस मृतक व्यक्ति की पछाण लई उद्यम किए जा रहे हैं। लाश को शनाखत लई दसुआ की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यह व्यक्ति किन हालातों में रेलगड्डी की लपेट में आया पुलिस इसकी जांच कर रही है। बदी ते नेकी दा प्रतीक दशहरा मानसा दी अनाज मंडी विखे दशहरा कमेटी मानसा वालों धूमधाम दे नाल मनाया गया। इस मौके कलाकारा वालों रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए अते दशहरा कमेटी वालों वख-वख तरह दी झांकियां पेश कीतियां गईयां। इस मौके मुख मेहमान SSP भगीरथ सिंह मीना अते विधायक विजय सिंगला विशेष तौर ते शामिल होए। इस दौरान दशहरा ग्राउंड दे विच रावण मेघनाथ अते कुंभकरण दे बनाए गए पुतलियां नूं अग्नि देण दी रस्म भी SSP अते विधायक वालों की गई। दशहरे मौके पहुंचे शहर वासियों नूं संबोधन करदे होए SSP अते विधायक सिंगला ने कहा कि बदी ते नेकी दे त्यौहार दशहरे मौके सानूं हर एक नूं प्रण करना चाहिए कि असी अपनी जिंदगी दे विच हमेशा चंगे काम करते रहांगे ते बुरे कामां नूं नहीं करांगे। उन्हां नौजवानां नूं अपील करदियां कहा कि जिंदगी दे विच नशियां दा त्याग करके जिंदगी नूं इक वधिया जिंदगी बनाओ ताकि असी अपनी जिंदगी दे विच अगे वध सकीए। फिलहाल पंजाबी खबरां विच इन्ना ही। नवीआं ते ताज़ीआं खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द सिंगला ऑफिस बेकर्सफील्ड फॉर ऑल योर इमिग्रेशन फैमिली लॉ नीड्स। कॉल और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस। रोडिस इंक मिलियन माइल्स विद स्माइल और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस। Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair or scan QR code to contact us. The Masala Twist, Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Billa Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.